सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एरर्स और एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे। कॉटलिन में हमारे एरर्स और एक्सेप्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले एरर्स और एक्सेप्शन की बात करने से पहले इन दोनों चीज़ों के बारे में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमारे प्रोग्राम में एरर होती है, लाइक मैंने अगर कोई भी प्रोग्राम लिखा है, तो अगर उसमें किसी टाइप की एरर होती है, अब वो एरर सिंटैक्स एरर हो सकती है, लॉजिकल एरर हो सकती है, अगर हमारे प्रोग्राम में एरर होगी तब ये 110% श्योर है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो रन ही नहीं होगा। मतलब हम जब प्रोग्राम को जब कंपाइल करेंगे तो वो रनिंग विंडो पे ना जाके वो सीधा कंपाइलिंग विंडो यानी प्रॉब्लम्स विंडो पे जाएगा। वहीं पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं एक्सेप्शन की, तो एक्सेप्शंस आर द कंडीशन दैट मे और मे नॉट लेट द प्रोग्राम रन बेस्ड ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अगर मेरे प्रोग्राम में एक्सेप्शन है तो इसमें हमारा प्रोग्राम रन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब मान लीजिए अगर एक्सेप्शन जो है आपका फिफ्थ लाइन में आया है और फिफ्थ लाइन से पहले का कोड जितना होगा, मतलब फर्स्ट लाइन से लेके फोर्थ लाइन तक का जो कोड होगा वो बिल्कुल रन होगा। जिस लाइन पर हमारा एक्सेप्शन आएगा उसके बाद का लिखा हुआ कोई भी जो कोड होगा वो रन नहीं हो जाएगा, क्योंकि वहीं पर ही हमारा एक्सेप्शन जो होगा वो थ्रो हो जाएगा। तो एरर अगर प्रोग्राम में है तो हमारा होल प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। मान लीजिए फोर्थ लाइन में अगर एरर है तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ना फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन भी रन नहीं होगा। अगर एरर है तो प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। वहीं पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से एक्सेप्शन की, तो एक्सेप्शन में हमारा जो है प्रोग्राम रन होगा, लेकिन जहां पर एक्सेप्शन आएगा वो लाइन और उसके बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अगर हमको पता चल गया एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन जिस लाइन पर भी होगा वहां पे कंपाइलर जो होगा वो हमारा वहीं पे रुक जाएगा और उसके बाद की जिन लिखी हुई लाइन को मतलब एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये तो पता चल गया एरर क्या होती है, एक्सेप्शन क्या होती है। अब अगर हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ सकता है, कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि हमारा एक हम ऐसा कोड लिख रहे हैं जिसमें एक्सेप्शन आने की उम्मीद है, तब हम उन एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। मतलब एक्सेप्शन आएगा तो फिर क्या करना चाहिए और नहीं आ रहा तो ये करना चाहिए, तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करते। जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़े थे, इसमें इफ एल्स होता था। इफ एल्स का मतलब ये होता था कि लाइक मतलब हम लोग लिखते थे अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू है तब इफ वाले ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट होता था, और अगर वो फॉल्स है तब हमारा फॉल्स वाले ब्लॉक में एल्स वाले ब्लॉक में क्या होता था, एग्जीक्यूट होता था। तो सेम जो है हमारा एक्सेप्शन के साथ होता है। व्हाइल हैंडलिंग द एक्सेप्शन वी यूज ट्राई एंड कैच ब्लॉक। तो द सिंटैक्स फॉर हैंडलिंग द एक्सेप्शन इज फर्स्टली विल राइट ट्राई एंड कैच ब्लॉक। तो ये होगा हमारा ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में हम लोग वो लाइन लिखेंगे, मतलब वो कोड लिखेंगे जिस कोड पे एक्सेप्शन आने की उम्मीद है। ठीक, ट्राई वाले ब्लॉक में हम लोग वो वाला कोड लिखेंगे जिसमें एक्सेप्शन आने की उम्मीद है। ठीक, अगर एक्सेप्शन नहीं आता है तब तो हमारा ट्राई वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक, और अगर एक्सेप्शन आ जाता है तब कंपाइलर सीधा आपका कैच ब्लॉक के अंदर आएगा और कैच ब्लॉक में जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे होंगे वो प्रिंट करेगा, और वो इंस्ट्रक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है। दूसरी चीज, लास्ट चीज होती फाइनली चीज। फाइनली चीज ये जो है, फाइनली जो ब्लॉक है, फाइनली वाला जो ब्लॉक है ये आपका ऑप्शनल है, आप लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहीं पर अगर आप ट्राई ब्लॉक बिना कैच ब्लॉक के नहीं यूज कर सकते, और कैच ब्लॉक को आप बिना ट्राई ब्लॉक के अलावा जो है आप नहीं यूज कर सकते, मतलब ट्राई और कैच साथ में ही आएंगे। वहीं पर फाइनली इज ऑप्शनल, यू कैन राइट फाइनली इफ यू वॉन्ट। अब फाइनली की अगर बात करते हैं हम आपसे कि फाइनली का क्या यूज है, फाइनली का यूज ये है कि मान लीजिए आपने कोई कोड लिखा जिसमें एक्सेप्शन आने की उम्मीद थी। ठीक है, मान लीजिए उसमें एक्सेप्शन आ भी गया, अगर एक्सेप्शन आ गया तो कैच में लिखा वाला ब्लॉक, कैच के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो ही एग्जीक्यूट होगा, ट्राई वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हमारा नहीं होगा। ठीक, यहां तक बात आई, अगर एक्सेप्शन आता है तो। ठीक है, कैच वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि ट्राई वाले कोड में हमारा एक्सेप्शन आ गया। अब कैच वाला ब्लॉक उसने एग्जीक्यूट करा, फाइनली वाला जो ब्लॉक है चाहे एक्सेप्शन आए या चाहे एक्सेप्शन नहीं आए, फाइनली ब्लॉक जो है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इसमें आपके वो कोड होता है जिसमें आपका एक्सेप्शन नहीं आएगा, आप 100% श्योर हैं कि आपका एक्सेप्शन जो है उस कोड के अंदर नहीं आएगा।
वो कोड हम लोग जो है फाइनली ब्लॉक के अंदर रखते थे। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू हैंडल द एक्सेप्शन। अभी जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है उसको हम लोग अपने आईडी में जाके इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप लोगों को ज्यादा बेटर आ जाएगा समझ में। यहाँ पर हम लोग अपनी सेम विंडो के अंदर है जिसमें हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, मेन डॉट के टी फाइल में ही है, और ये सारी चीजें पहले मैं हटाता हूँ, ठीक है। अब देखिए हम एक्सेप्शन और एरर्स जो है वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, हम एक दो वेरिएबल ले रहे हैं, वेर ए वेरिएबल लिया है जिसका डेटा टाइप है हमारा इंट, और इसमें मैंने 45 स्टोर करा है, और फिर हमने लिया वेर बी वेरिएबल दूसरा वेरिएबल है और ये भी इंटीरियर टाइप का है, और इसमें मैंने कुछ देर के लिए 9 डाल दिया, ठीक। ये बात आई, हमने सिंपली दो वेरिएबल इंटीरियर टाइप के इनिशियलाइज कर दिए, ए को हमने करा 45 से और बी को कर दिया 9 से, ठीक है। अब हम करते क्या है कि प्रिंट करते हैं, और प्रिंट करते हैं ए डिवाइड बी। हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हम ए को बी से क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं, उसको जरा रन करके देखते हैं पहले तो। उसको रन करा है, 5 आंसर आया क्योंकि 45 को 9 से हमने डिवाइड करा है तो 5 आ गया, ठीक। यहां तक बात की है। अब हम क्या कर रहे हैं, बी की वैल्यू को 9 से हटाकर 0 लिख रहे हैं। बी की वैल्यू को हमने 9 से हटाकर 0 लिखा है, और अब सेम प्रोग्राम को हम फिर से रन करते हैं। जैसे ही हमने बी की वैल्यू को 0 करा, अगर आप ये देखेंगे ए जो है वो बी से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन बी इज डिनोमिनेटर। अगर बी डिनोमिनेटर है तो बी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बी 0 हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड नंबर आएगा। इस कारण इस वाली लाइन पे, लाइन नंबर 5 पे मेरे पास एक एक्सेप्शन आ गया, इसको बोला गया एरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो लाइन नंबर 5 पे मेरे पास एक्सेप्शन आया जिस कारण लाइन नंबर 6 में लिखा हुआ कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पर हम क्या करते हैं, लाइन लाइन नंबर 6 में एक्सेप्शन आया क्योंकि ए डिवाइड बी हम लोग लाइन नंबर 6 में करा रहे हैं। अब मैं करता क्या हूं, इससे पहले अगर मैं प्रिंट करूं, ए की वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करूं, तो क्या मेरा ए की वैल्यू प्रिंट होती है कि नहीं होती, ये चीज समझते हैं। क्योंकि एक्सेप्शन को समझना ये बहुत जरूरी है कि लाइन से जिस लाइन में आता है उससे पहले की चीज प्रिंट होती कि नहीं होती। अगर आप आउटपुट देखें तो इसने ए की वैल्यू को प्रिंट किया, और उस ए की वैल्यू जो है ये हमारी लाइन नंबर 6 में हो रही है, और लाइन नंबर 7 पे यहाँ पर एक्सेप्शन आ रहा है, यहाँ पर है एक्सेप्शन, लिख देते हैं लाइन नंबर 7 में हमको एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पर हम ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं एंड बी इज इक्वल टू 0, तो ए डिवाइडेड बी बाई बी इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड नंबर, तो एक्सेप्शन विल कम, एंड दिस टाइप ऑफ एक्सेप्शन इज नोन एज अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ये किस टाइप का एक्सेप्शन है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, यानी कि जब कभी अगर डिनोमिनेटर 0 होगा और आप डिवाइड कर रहे हैं तब आपको अरिथमेटिक एक्सेप्शन मिलेगा। अब अगर आपने देखा लाइन नंबर 7 में एक्सेप्शन आया है, इसने लाइन नंबर 6 को बिल्कुल प्रिंट किया है, इसका मतलब आपका प्रोग्राम जो था वो एक्सेप्शन होने के बाद भी लाइन नंबर 6 तक तो पूरा बिल्कुल सही से प्रिंट हुआ, लेकिन लाइन नंबर 7 पे नहीं प्रिंट हो पाया। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए प्रिंट करते हैं लाइन नंबर एक्सेप्शन जहाँ पे आया उसके हम एक बाद में जो है हम हेलो वर्ल्ड सिंपल प्रिंट करते हैं, तो क्या ये वाली लाइन जो है ये प्रिंट होगी कि नहीं होगी, इस चीज को हम दिखाते हैं। अगर आप देख रहे हैं इसने इस लाइन नंबर 6 को एग्जीक्यूट करके ए की वैल्यू प्रिंट करा, फिर हमारा लाइन नंबर 7 पे आ गया एक्सेप्शन, और लाइन नंबर 8 जो था वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा क्योंकि जहां से एक्सेप्शन आता है और प्रोग्राम के लास्ट तक कोई भी लाइन वहां पर एग्जीक्यूट नहीं होती। तो ये तुमको आ गया समझ में एक्सेप्शन क्या होता है। अब समझिएगा, अब ये एक्सेप्शन आ गया, इस एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करेंगे इस चीज को समझिएगा। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम लोग यूज करेंगे ट्राई और कैच ब्लॉक को। तो समझिएगा एक्सेप्शन आ किस लाइन में सकता है, एक्सेप्शन आ तब सकता है जब हम ए को जब बी से डिवाइड करेंगे, तो हम इस ए प्रिंट एल एन ए डिवाइडेड बाई बी को हम डाल देंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर, ए डिवाइडेड बाई बी को हम डाल देंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो
अगर एक्सेप्शन नहीं आएगा तब तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, और बाई चांस अगर एक्सेप्शन आता है तो वो कैच ब्लॉक के अंदर आएगा। कैच ब्लॉक में हम सिंपल ई लिखेंगे, ई कैन बी एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शन, और ये एक ऑब्जेक्ट है एक्सेप्शन क्लास का, और इसका हम लोग बॉडी ऑन करते हैं। कैच ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होता है अगर एक्सेप्शन आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन कब आएगा, बी की वैल्यू जो 0 होगी। मान लीजिए एक्सेप्शन आ गया तो हम सिंपल क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं जो भी एक्सेप्शन आ रहा है, तो हम प्रिंट क्या कर देंगे, ई को प्रिंट कर देंगे। अब आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, हमने ई प्रिंट करा, आप प्रिंट के एलएम के अंदर लिख सकते हैं एक्सेप्शन कम, यहाँ पे अगर हम लिख दें एक्सेप्शन अकर्ड, एक्सेप्शन अकर्ड अगर हम लिख दें यहाँ पे, तो अब अगर हम इसको देखिए रन कराते हैं, तो इसने प्रिंट करा एक्सेप्शन अकर्ड, और अब की बार ये हमारा हेलो वर्ल्ड लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। क्यों एग्जीक्यूट हो गई, क्योंकि एक्सेप्शन हमने हैंडल कर लिया, एक्सेप्शन हमने हैंडल कर लिया। ए डिवाइडेड बाय बी जो था, इसने पहले ट्राई ब्लॉक में आया, जब ये ट्राई ब्लॉक में आया तो इसने कोशिश करी 45 को 0 से डिवाइड करने की, लेकिन वहां पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गया। जब अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गया तो इसने ट्राई ब्लॉक को नहीं एग्जीक्यूट करेगा, फाइनली किसमें आ जाओ डायरेक्टली किसमें आएगा, कैच ब्लॉक के अंदर। ये कैच ब्लॉक में आया और कैच ब्लॉक में जो भी इंस्ट्रक्शन थे वो उसने कर दिए, मतलब यहाँ पे इसको एक सिंपल प्रिंट करना था एक्सेप्शन अकर्ड, इसने एक्सेप्शन अकर्ड प्रिंट कर दिया, और उसके बाद के लिखा हुआ जो कोड था प्रिंट एलएन हेलो वर्ल्ड, इसने फिर उसके बाद क्या प्रिंट कर दिया, हेलो वर्ल्ड को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए आपको पूरा का पूरा लिखा हो, जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे जब काम करेंगे और कोई टीम आपके साथ काम कर रही है, तब आप क्या करेंगे कि जितना भी नॉर्मल जो कोड है जो जिसमें एक्सेप्शन नहीं आना है वो हम लोग फाइनली के अंदर कर देते हैं, मतलब उसको तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो हम इस प्रिंट एलन को फाइनली, प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड जो है इसको हम फाइनली के अंदर भी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आपके आउटपुट पे कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। तो आउटपुट विल बी द सेम, सेम आउटपुट प्रिंट होगा 45, फिर एक्सेप्शन अकर्ड हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये आ गया एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन को हैंडल हम लोग कैसे करते हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे दिक्कत हो और हम नहीं उसको सही से समझा पाए तो आप लोग कमेंट में उसको दोबारा हमसे पूछ लीजिएगा, या टेलीग्राम ग्रुप पे आप दोबारा पूछ सकते हैं हमसे। ये आगे बात समझ में, एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं। अब बात करते हैं एरर की। एरर हमने बताया था कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर प्रेजेंट होती है तो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। मान लीजिए अब एरर किस तरह की, मान लीजिए एरर सिंटैक्स एरर दिखाते हैं हम आपको, मान लीजिए आई या कैपिटल अगर हम इसको स्मॉल कर दें और अब हम इसको रन कराएं, लेकिन मेन डॉट के टी में रेड लाइन बन गई, इसका मतलब इसमें एरर है और ये प्रोग्राम रन ही नहीं होगा हमारा। तो एक बार रन करके फिर भी देखते हैं, तो देखना है अनरिजॉल्व रेफरेंस इंट स्मॉल आई एन टी जो लिखा है वो अनरिजॉल्व रेफरेंस है, यहाँ पर जो इसका आई है वो कैपिटल आई होना चाहिए। तो एरर अगर आ जाएगी तो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, ये नहीं मतलब है कि वो किस लाइन में, अगर किसी भी लाइन में, लाइन लास्ट लाइन में भी एरर आ रही तो भी वो पूरा प्रोग्राम आपका रन नहीं होगा। वहीं पर एक्सेप्शन में अगर लास्ट लाइन में आ रही है तो सेकेंड लास्ट लाइन तक का आपका कोड रन होगा, पर एक्सेप्शन के बाद लिखी हुई कोई भी चीज रन नहीं होगी। तो ये था हमारा एरर्स और एक्सेप्शन के बारे में, ये सारी चीजें थी एरर्स और एक्सेप्शन के बारे में। एरर्स क्या होती है, एक्सेप्शन क्या होते हैं, और एक्सेप्शन को हैंडल हम लोग कैसे करते हैं। किसी भी पॉइंट पे आप लोगों को डिफिकल्टी हो कहीं पे समझने में और कहीं पे कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग वो चीज़ हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।